दोस्तों ड्रीम इलेवन पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सालों से ड्रीम इलेवन खेलते आ रहे हैं, जैसे 3 साल 4 साल, लेकिन आज तक एक भी कॉन्टेस्ट को नहीं जीते हैं, एक भी बार रैंक वन नहीं आया है। वही कुछ लोग ऐसे हैं जो 3 महीने 6 महीने से नए खेलने वाले हैं, नया खेल रहे हैं, लेकिन उनका रैंक वन आ जा रहा है, वह जो है जीत के चले जा रहे हैं। तो ऐसे देखा जाए तो जो सालों से खेला है उसको जीतना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जा रहा है, जो कुछ टाइम से खेला है वह जीत के चला जा रहा है। ऐसा क्या है जो 1000 कॉन्टेस्ट खेलने वाला गलती करके नहीं जीत रहा है, और थोड़ा सा जो दिन से खेला 100 कॉन्टेस्ट 200 कॉन्टेस्ट खेला है वह जीत जा रहा है? तो दोस्तों आपको बता दें, दोनों के बस टीम में थोड़ा सा फर्क है। हमने बहुत जो है रिसर्च किया तो हमको पता चला कि जो हमेशा पहले से खेला है और जो नया खेला है, दोनों के टीम बनाने में बस थोड़ा सा टीम का फर्क है, और साथ में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने के फार्मूले में फर्क है। तो दोस्तों कैसे रैंक वन वाले टीम बना रहे हैं, कैसा प्लेयर रखते हैं, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ बीता हुआ पिछला मैच है, जैसे जो अभी मैच चला था कुछ दिनों पहले का यह मैच है, आपको दिखाते हैं कि वह लोग कैसे प्लेयर को टीम में अपने रख रहे हैं। बिना आप इसके नहीं जीत सकते हो, आपको भी अगर जीतना है तो ऐसा प्लेयर रखना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर दिखा देते हैं रैंक वन वाला टीम में यह जो मैच हुआ है, ठीक है, अफगानिस्तान का। इसमें देखिए सारे कॉमन प्लेयर, बहुत सारे ऐसे कॉमन प्लेयर है जिसको सब लोग लिए हैं, लेकिन 3 इसमें आपको ट्रम्प कार्ड, जिसको लोग रिस्की प्लेयर बोलते हैं, वह इसमें डाला गया है। आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए, अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पर देखिए एस अल हसन है ऑलराउंडर में, एक पहला प्लेयर है, ठीक। दूसरा यहाँ पर टी हारिडो है, और उसके बाद एस हसन, और नीचे यहाँ पर है दोस्तों उमर जाई, ठीक है। कुछ प्लेयर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जब इसको उस दिन लिया जा रहा था तो इसका सिलेक्शन परसेंटेज कितना था, फिर भी रैंक वन वाला इसको अपने टीम में लेके गया। देखिए पहले यहाँ पर हम हरी डॉय का देख लेते हैं। तो इसका यहाँ पर देखिए, आप ऊपर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या है, जब इसको जिस दिन लिया जा रहा था 11% सिलेक्शन परसेंटेज था इसका, 11.68, ठीक है, बैटिंग सेक्शन में, लेकिन रैंक वन वाला इसको लेके गया। एक प्लेयर यह हो गया हमारा। दूसरा प्लेयर आपको दिखाते हैं यहाँ पर एस हसन, इसका भी देखिए 5% सिलेक्शन परसेंटेज था जिस दिन उसको लिया जा रहा था, ऊपर में आपको दिख रहा है, ठीक है, 5% था। 2 प्लेयर हो गया ट्रम्प कार्ड। अब तीसरा प्लेयर देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो तीसरा प्लेयर हमारा यहाँ पर देखिए उमर जाई है, ठीक है। उमर जाई का अगर हम देखें तो इसका 7% सिलेक्शन परसेंटेज था उस दिन जब इसको टीम में लिया जा रहा था। अब बाकी सारा कॉमन प्लेयर है, बाकी सारा का अगर आप पॉइंट देखेंगे, बाकी सारा कॉमन प्लेयर है, बाकी में कोई भी दिक्कत नहीं है, बाकी कॉमन प्लेयर है जिसको सभी लोग ले रहे हैं, उसी को लिया गया टीम में। दिखा देते हैं आपको, ठीक, ये वाला मैच था हमारा, पूरा बैक हो गया यहाँ पर बांग्लादेश और अफगानिस्तान का, ठीक। तो यहाँ पर देखिए हमने 3 प्लेयर आपको दिखा दिया कि किसको किसको ट्रम्प कार्ड प्लेयर डाला गया। बाकी यहाँ पर क्या है, गुरबाज है, गुरबाज को सभी ने लिया था, एल दास को भी, एम नबी है, के जन्नत है, इन लोगों को सभी ने लिया। एल दास का देखिए अगर सिलेक्शन परसेंटेज देखिए 78 है, ठीक, 78 है। गुरबाज का देखेंगे तो गुरबाज का 86 है, मतलब रैंक वन जो लाया था, सारे लोग जो प्लेयर को ले रहे थे टीम में उसको वो भी रखा है, ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, नहीं लिया, ऐसा नहीं है, उसको भी रखा है, लेकिन साथ में 3 ट्रम्प कार्ड प्लेयर अपना, जिसको रिस्की प्लेयर बोलते हैं, उसको टीम में डाला है। आपको हर मैच में ऐसा देखने को मिलेगा, बिना 3 ट्रम्प कार्ड प्लेयर के, 3 से 4 आप रिस्की प्लेयर के मैच को नहीं जीत सकते, और हो सके तो आपको कैप्टन वाइस कैप्टन में एक रिस्की बनाना पड़ेगा इसी के तरह। तो ऐसा टीम आप खुद से कैसे बना सकते हैं, आप खुद से कैसे पता कर सकते हैं कि हाँ यह ट्रम्प कार्ड अच्छा प्लेयर है, चलेगा, आज हमको इसको रखना चाहिए, तो बताते हैं आपको आप खुद से कैसे पता कर सकते हैं। उससे पहले आपको एक और मैच दिखा देते हैं, दूसरा मैच यहाँ पर इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का है, ठीक है। तो वेस्ट इंडीज का, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच है, इसको भी थोड़ा हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इसमें कैसे रैंक वन वाला टीम बनाया है, वरना आप कहोगे कि सिर्फ एक ही टीम में ऐसा हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, विकेट बैटिंग सेक्शन में यहाँ पर अगर हम देखेंगे, इसको एथेंज है, आपको दिख रहा होगा विराट कोहली के बगल में, रोहित शर्मा के बगल में जो एथेंज है, एथेंज का देखिए सिलेक्शन परसेंटेज, एथेंज का क्या है, 5% सिलेक्शन परसेंटेज है जब इसको लिया जा रहा था टीम में उस दिन, तो सिर्फ 5% लोग इसको अपने टीम में लेके जा रहे थे। तो रैंक वन वाला रिस्क लिया, इसको अपने टीम में लिया, ठीक, और इसने अच्छा पॉइंट दिया, वो जीत गया। और दूसरा बता दे, कॉर्नवेल है यहाँ पर, देखिए कॉर्नवेल है, इसको ये जो आपको दिख रहा है बगल में, कॉर्नवेल को कितना लोग ले रहे थे उस दिन, कॉर्नवेल को ले रहे थे भैया 34% लोग, इस पे भी थोड़ा रिस्क था, इसको भी टीम में लेके वो गया बंदा, ठीक है। और यहाँ पर एक प्लेयर है, यहाँ देखिए, और यहाँ पर एक प्लेयर आपको दिखो मिलेगा, वेरियर केन, वेरियर केन का अगर सिलेक्शन परसेंटेज देखेंगे 9% था इसका उस दिन सिलेक्शन परसेंटेज, क्या हुआ, इसको भी टीम में वो लेके गया उस दिन। तो एक बात आपको मानना पड़ेगा कि आपको अगर ड्रीम इलेवन पे रैंक वन लाना है तो आप हर टीम में चेक कर लो, चाहे जो भी मैच हो, आप सभी में चेक करोगे, आपको 3 से 4 ट्रम्प कार्ड प्लेयर मिल जाएंगे, और साथ में कैप्टन वाइस कैप्टन में एक आपको रिस्की
जरूर मिलेगा। जैसे हम कैप्टन वाइस कैप्टन आपको यहाँ पर नहीं दिखाए, तो देखिए अफगानिस्तान और इसमें क्या हुआ था, अफगानिस्तान वाले में टीम तो आपको दिखा दिए, कैप्टन वाइस कैप्टन यहाँ पर हम नहीं दिखाए। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें एम नबी है, तो एम नबी का सिलेक्शन परसेंटेज कितना है, 82 था, तो इसको वाइस कैप्टन उसने रख दिया जो रैंक वन वाला टीम बनाया था, ध्यान से समझिएगा। और कैप्टन किसको रखा है, के जन्नत को रखा है। यहाँ पर देखिए के जन्नत का सिलेक्शन परसेंटेज कितना, 23% था, तो रखा ना रिस्की प्लेयर को, 23% वाले को कैप्टन रखा, और वाइस कैप्टन भी उसको रखा है जिसको सब लोग टीम में रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज आपको मानना पड़ेगा, अगर आपको जीतना है तो ट्रम्प कार्ड प्लेयर ऐड करना पड़ेगा। तो कैसे ऐड करना है प्लेयर, कैसे आप खुद से चुन सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम मैच एग्जांपल के लिए आपको बना के दिखा देते हैं कि आप वैसा ठीक टीम कैसे बना सकते हैं, ठीक। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए इंडिया ए और पाकिस्तान ए का मैच है, तो इसको हम टीम आपको तैयार करके दिखाते हैं कि आप वैसा टीम कैसे यहाँ पर तैयार कर सकते हैं खुद से। तो टीम को बताने से पहले बता दें, जो हम टीम बनाने जा रहे हैं ऐसा टीम बना बनाया फ्री में और लाइनअप के बाद एकदम फ्री टीम आपको ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग का अपने टेलीग्राम पे देते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अगर आपका मन हो तो आप समझ सकते हैं। जब हम ऐसा टीम दिखा सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि रैंक वन वाला ऐसा बना रहा है, तो हम कैसा बना सकते हैं आप खुद से सोच सकते हैं, हमको इतना आइडिया है कि टीम कैसा बनाना चाहिए। तो अगर आपको हमारी टीम से खेलना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम आपके लिए बनाते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब आप टीम बनाने जाएंगे, फर्स्ट काम आपको करना है, आपको तीन कम से कम ट्रम्प कार्ड प्लेयर पहले टीम में उठाने हैं। लोग क्या करते हैं, उल्टा टीम बनाते हैं, जो जैसे यहाँ पर है 89 है, ऐसे टीम में लेना भरना स्टार्ट कर देंगे प्लेयर, जितना ऊपर वाले हैं ऊपर से लेना स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, आपको नीचे वाले प्लेयर से भी स्टार्ट करना है। जैसे हम यहाँ पर खोज के रखे प्लेयर को, डी जुरेल है विकेट कीपर सेक्शन में, तो इसका देखिए क्या है, इसका जब यह खेल रहा था तो इसका 58 पॉइंट इस दिन दिया था, 44 दिया था, तो इसका सिलेक्शन परसेंटेज हाई चल रहा था, लेकिन यहाँ पर एक मैच में फ्लॉप चला गया, 5 पॉइंट दे दिया, तो लोग इसको लेना अपने टीम में पसंद नहीं कर रहे, इसका सिलेक्शन परसेंटेज कम हो गया। तो आपको ठीक एकदम ऐसे ही प्लेयर को उठाना है जो पहले परफॉर्मेंस कर रहा था, उसके अंदर काबिलियत है कि वह कभी भी रन बना सकता है, पॉइंट दे सकता है, लेकिन उसका एक दो मैच फ्लॉप जाने की वजह से लोग उसको लेना बंद कर दिया टीम में। आपको ऐसा प्लेयर खोजना है, जैसे हम यहाँ पर डी जुरेल का आपको दिखाया, जुरेल को हमने खोज लिया। अब बैटिंग सेक्शन में अगर हम आते हैं, यहाँ पर एस फरहान है, देखिए एस फरहान, ठीक। तो एस फरहान का अगर हम इसका भी आपको दिखाएं, तो ये पिछला मैच में जो खेला है ये 25 पॉइंट दिया, उससे पहले खेला है कितना दिया, 47-93 ड्रीम टीम में आया है, ठीक। तो दूसरा प्लेयर हमारा यह हो गया फरहान। ऐसा ही आपको ट्रम्प कार्ड प्लेयर खोजना है जो पहले चला हो और अभी एक दो मैच उसका बस बेकार हो, ज्यादा नहीं, ये हो गया। और यहाँ पर ताहिर का दिखा देते हैं, टी ताहिर का, तो ताहिर देखिए इधर खेला है 44 पॉइंट दिया, ठीक, उतना ज्यादा नहीं दिया। फिर नीचे खेला है यहाँ पर 73 पॉइंट दिया है, मतलब इसके अंदर भी काबिलियत है, कभी भी यह खेल सकता है। तो हम यहाँ पर ताहिर को रख दिए। आप एक और ट्रम्प कार्ड रखना चाहें तो चार को भी रख सकते हैं, हम तीन को यहाँ पर रख रहे हैं। तो ऐसा हो गया हमारा तीन प्लेयर, बाकी आप किसको रख लो, सारा जो कॉमन प्लेयर है जिसको सभी लोग लेके जा रहे हैं आप उसको टीम में रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कॉमन प्लेयर को लाइन से उठाना यहाँ पर शुरू करते हैं, जैसे सब लोग लेते हैं, ठीक है। हरीश को हम ले लिया, और बैटिंग सेक्शन में सुदर्शन है, यूसुफ है और धूल है, उसके बाद ऑलराउंडर में ये दोनों हो गया, दो प्लेयर हमने उठा लिया हाईएस्ट सिलेक्शन वाले को एग्जांपल के लिए। अब बॉलिंग में मान लीजिए हमने दो उठा लिया, ठीक, एक बैटिंग सेक्शन में ज्यादा है तो बैटिंग वाले से एक कम करके हमने बॉलिंग से उठा लिया, तो तीन हमने ट्रम्प कार्ड प्लेयर डाले। उसके बाद सारे जितना ज्यादा सिलेक्शन परसेंटेज वाले हैं जिसको सब लोग ले रहे हैं उसको हमने ले लिया। यह दोस्तों टीम बनाने का एक तरीका होता है, अगर आप टीम तरीके से बना के खेलते हैं तो उम्मीद है कि आप इस तरीके से जीत सकते हैं जिस दिन आपका लक साथ दे। अगर आप गलत तरीके से खेलेंगे तो उम्मीद ना के बराबर है, उम्मीद आप मत करिए कि कभी जीतेंगे। इस टाइप से टीम बनाइए, आप कभी ना कभी जरूर जीतेंगे। तो यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन में हम क्या करेंगे, सबसे ज्यादा यहाँ पर कैप्टन किसका, सुदर्शन का है, तो ठीक है हम सुदर्शन को वाइस कैप्टन रख देंगे कि सभी लोग इसको कैप्टन ले रहे चलेगा। तो कैप्टन हमको किसको रखना चाहिए, कैप्टन हमको फरहान या फिर ताहिर को, जिसको हम रिस्की प्लेयर बोलते हैं, ट्रम्प कार्ड प्लेयर जिसको हम उठाए हैं, तो हम यहाँ पर फरहान को रख देते हैं या बैट्समैन है, जैसा हमने पिछले मैच में दिखाया अफगानिस्तान वाले में के जन्नत को रखा गया था, तो हम फरहान को कैप्टन रख दिए और वाइस कैप्टन सुदर्शन को, जिसको सब लोग रख रहे हैं। बस आपको दो काम करना है, तीन से चार ट्रम्प कार्ड प्लेयर टीम में ऐड करने हैं और कैप्टन वाइस कैप्टन में एक आपको रिस्की बनाना है दोनों में से, बस इतना ही काम है, सही तरीका है टीम बनाने का। हमने दो मैच आपको दिखाया, आप चाहो तो कितना भी मैच खोज के देख सकते हो, बिना ट्रम्प कार्ड प्लेयर के कोई भी मैच नहीं जीता गया और रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन में से एक आपको बनाना ही पड़ेगा। तो यह फाइनल टीम देखिए, इस टाइप से आप टीम बना के
खेल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक रहेगा हमारा, अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, और फ्री टीम पाने के लिए हमारा टेलीग्राम अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जैसा हमने बोला लिंक है, टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अभी बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैच का प्रेडिक्शन और साथ में जो टिप्स एंड ट्रिक का वीडियो है सभी आपको मिल सके, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट तो जरूर ही करना, वो मिस मत करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आप सभी से अपने अगले वीडियो में।